हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू परचम आई होप आप लोग ठंड को इन्जॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे खुशहाल होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी दिसंबर के करेंट अफेयर्स ठीक है तो आज जो न्यूज़ हैं वो आप देखेंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ आपको मिलेगी क्योंकि आपने देखा है रिसेंटली फ़ीफा वर्ल्ड कप भी ख़त्म हुआ है तो उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है इसके अलावा भी जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था वो भी खत्म हुआ है उस पर हमें चर्चा करनी है तो छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखना लास्ट में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे रही बात पी की तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहाँ से करंट अफेयर्स का पी मिल जाएगा अगर टेलीग्राम से पी डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो वह एप्लीकेशन से आप पी को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको हमारा एस कोर्स भी मिलता है टेस्ट सीरीज़ के साथ तो आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं बस करना कुछ नहीं है आपको पूजा 10 कोड यूज़ करना है कौन सा कोड है पूजा 10 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो जिससे आपको एडिशनल टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा सो so, स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी दिसंबर की अफेयर्स और शेयर कर देंगे अगर सेशन पसंद आता है सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में और जैसा कि कहा था कि मैसी ने आ, कि फीफा वर्ल्ड कप मतलब 18 दिसंबर के बाद ये संन्यास ले लेंगे रिटायरमेंट अनाउंस किया था अब यहाँ पे अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फ़ाइनल हुआ था और अर्जेंटीना जो है उसने फ्रांस को हरा दिया है और तीसरी बार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो अर्जेंटीना की टीम ने जीता है ठीक है तो अर्जेंटीना का ये कौन सा टाइटल हो गया तीसरा टाइटल हो गया फाइनल किसके बीच में हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था जीता कौन है अर्जेंटीना यहाँ पर जीता है तो अर्जेंटीना वीट फ्रांस फॉर टू ऑन पेनाल्टी टू विन फीफा वर्ल्ड कप कुछ अब बातें हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो मैच हुआ था फाइनल मैच ये कहाँ पर हुआ था तो आप देखेंगे लुसेल स्टेडियम जो कि कतर में है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हो रहा था तो लुसेल स्टेडियम कतर में फाइनल खेला गया था जैसा कि आपने देखा कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में था अर्जेंटीना यहाँ पर जीत गया है अर्जेंटीना का ये तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप है और 36 सिक्स ईयर्स के बाद 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप को जीता है अगर हम देखेंगे 1878 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने उसके बाद 1986 में जीता था और फिर उसके 36 साल बाद 2022 में फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की टीम ने जीता है ठीक है अब बात कर लेते हैं मेसी के बारे में तो यहाँ पर मेसी जो है वो पहले फुटबॉलर बन गए हैं इन द वर्ल्ड टू तो स्कोर इन ऑल नॉकआउट मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप ही बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर इन ऑल नॉकआउट मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप और इसलिए इन्हें आप देखेंगे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है अब यहाँ पर देखिएगा जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना उसमें तीन अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कौन कौन से एक होता है गोल्डन बूट अवार्ड बूट मतलब जूते ठीक है तो गोल्डन बूट अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करता है सबसे अधिक गोल करता है उसे गोल्ड बूट कप मिलता है फिर होता है गोल्डन वॉल अवार्ड

टॉप फोर टीम रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले अर्जेंटीना है जो कि जीती है इसलिए उसको हटा दिया विनर अर्जेंटीना है दूसरे नंबर पर देखेंगे फ्रांस है तीसरे नंबर पर क्रोशिया की टीम और चौथे नंबर पर मोरक्को की टीम आपको देखने को मिलेगी गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है तो फ्रांस के गोल स्कोरर है जिनका नाम है काइलिन मबापे तो इन्होंने जो है गोल्डन बूट अवार्ड जीता है वही अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनल मैसी इन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है क्योंकि इन्होंने बेस्ट प्लेयर इन द फीफा वर्ल्ड कप रहे हैं और फिर ग्लोबल ग्लोब सॉरी गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है इमिलियानो मार्टिनिज ने जीता है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये बेस्ट गोलकीपर की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन्हें दिया गया है तो तीनों अवार्ड्स हमको याद हो गए अब आता है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया है इन्जो फर्नांडिस को दिया है ठीक है फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया है और सिल्वर बूट अवार्ड यहाँ पे देखिए गोल्डन बूट अवार्ड था यहाँ है ये सिल्वर बूट अवार्ड ये किसे दिया गया है मैसी को तो मैसी के नाम आपको दो टाइटल याद रखने हैं गोल्डन बॉल और सिल्वर बूट हाथ में गोल्डन बॉल है और पैरों में सिल्वर बूट है तो गोल्डन बॉल एंड सिल्वर बूट अवार्ड जो है वो मैसी को दिया है और मैसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा क्लियर है तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया विन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड तो अभी देखिए टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो रहा था ब्लाइंड्स के लिए ठीक है और इंडिया ने इस टाइटल को जीत लिया है किस टीम को हराया है तो बांग्लादेश की टीम को हरा कर इंडिया ने इस टाइटल को जीता है हम पूरी न्यूज को थोड़ा देखते हैं विस्तार में इंडिया बीट बांग्लादेश टू विन देयर थर्ड थर्ड कॉन्जुकेटिव टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड तो भारत ने बांग्लादेश को हराया है एक सौ बीस रन से और तीसरी बार लगातार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड जीता है अब ये जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड हो रहा था ये कहाँ हो रहा था एम चिन्मय स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हो रहा था ठीक है इतनी चीजें भारत ने इसके पहले 2012 में फिर 2017 में और अब 2022 में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड का टाइटल अपने नाम किया है अब यहाँ पे देखेंगे कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद महमूद राशिद हैं इन्हें मैन ऑफ द सीरीज बी वन कैटेगरी में दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज बी वन कैटेगरी में दिया गया है वही मैन ऑफ द सीरीज बी टू कैटेगरी अजय देखने को मिलेंगे सुनील वॉज डिक्लेयर मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज इन बी थ्री कैटेगरी कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन व्यूमेन्स हॉकी टीम बीट स्पेन टू लिफ्ट 2022 एफआईएच नेशनल कप तो यहाँ पर देखिए भारत ने एक और विक्ट्री हासिल की है यहाँ पे क्रिकेट का तो अपन ने ब्लाइंड का जो हुआ था वर्ल्ड कप वो तो जीता ही है साथ ही साथ जो व्यूमेन हॉकी टीम का नेशनल कप हो रहा था स्पेन में और उसमें स्पेन को ही हराकर भारत ने इस कप को जीत लिया है

टूर्नामेंट जो है वो सविता पुनिया रही हैं और इंडिया हैज ऑल्सो गॉट प्रोमोटेड टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हॉकी विमेंस प्रो लीग तो भारत की जो हॉकी टीम है वो 2023-24 में होने वाले एफ आई एच हॉकी वीमेंस प्रो लीग के लिए भी प्रमोटेड हो गई है तो याद रखेंगे कि एफ आई एच नेशनल कप किसने जीता है भारत ने जीता है किसको हराया स्पेन को हराया ये कप कहां पर खेला जा रहा था तो स्पेन में खेला जा रहा था और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट सविता पुनिया रही हैं मैटर क्लियर तो हमने तीनों बातें यहाँ पे सीख ली हैं अगली बात करते हैं सरगम कौशल इंडिया सरगम कौशल वॉन मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल तो देखिए इक्कीस सालों के बाद 21 इयर्स के बाद इक्कीस सालों के बाद मिसेस वर्ल्ड का टाइटल भारत को मिला है ठीक है किसे दिया गया है सरगम कौशल को दिया गया है जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस टाइटल को जीता है वो मिसेज वर्ल्ड 2023 uh, 2022 बन गई हैं और इन्होंने 63 कंट्रीज के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको डिफीट किया है उनको हराया है और उसके बाद सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 बन गई हैं ठीक है ठीके? और इक्कीस सालों के बाद ये घटना हुई है क्योंकि दो में डॉक्टर अदिति डॉक्टर अदिति जो है वो मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जीती थी और 2021 की अगर बात करते हैं तो 2021 में मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जो है वो शाइलिन फोर्ड ने जीता था जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं okay? ओके चलो अगली बात करते हैं टेनिस प्लेयर कौन है राफेल नडाल वॉन ए टीपी फैंस फेवरेट अवार्ड 2022 तो ए टीपी के द्वारा कई सारे अवार्ड दिए गए हैं जैसे कि कोच ऑफ द ईयर अवार्ड कौन है न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड है या फैंस का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है फैंस का फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन है तो ऐसे कई सारे कैटेगरी में एटीपी अवार्ड्स दिए गए हैं तो यहाँ पर जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल इन्होंने फैंस फेवरेट सिंगल टाइटल का नाम अपने नाम कर लिया है और एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जिसको हम एटीपी कहते हैं तो एटीपी अवार्ड 2022 दिए गए हैं तो फैंस फेवरेट कौन बन गए हैं तो फैंस फेवरेट कौन बन गए राफेल नडाल बन गए हैं जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं ठीक है टेनिस खिलाड़ी हैं वही कार्लोस अलकराज जो भी स्पेन के हैं इन्हें मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एटीपी अवार्ड 2022 दिया गया है तो फैंस का फेवरेट कौन है राफेल नडाल है मोस्ट इंप्रूव्ड पर्सन कौन है एटीपी में तो कार्लोस अलकराज है फिर न्यूकमर ऑफ द ईयर देखेंगे तो होल्गर रून है कोच ऑफ द ईयर जून कार्लो फेररो और

संगमा उनके द्वारा फुटबॉल स्टेडियम पी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टूरा में किया गया। ये स्टेडियम जो इसमें दो इंडोर स्टेडियम स्टेडियम स्विमिंग पूल भी होगा टेबल टेनिस का हॉल भी होगा बैडमिंटन हॉल भी होगा और दो तक ये तैयार हो जाएंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की ताल छपार सेंचुरी अब यहाँ पे मैटर समझिएगा हुआ क्या है जो सेंचुरी का एरिया है जो राजस्थान की थाल छपार सेंचुरी का एरिया है वो पिछले कुछ समय में तीन स्क्वायर किलोमीटर की उस एरिया में कमी आई है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो माइंस के ओनर हैं उन्होंने कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था माइनिंग का काम कर रहे थे क्रशर मशीन लगी हुई थी क्रशर ऑपरेट हो रहा था तो जो क्रशर होता है माइनिंग एरिया होते हैं उनसे भी तो वाइल्ड लाइफ इफ़ेक्ट होती है और ऊपर से ये जो पूरा सेंचुरी का एरिया है वो तीन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कम हो गया था रिड्यूस हो गया था तो इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है वो अपने सुओ मोटो पावर का यूज़ किया और यहाँ पे कंप्लीटली प्रोविजन लगा दिया है कि आप कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते उसका यूज ऑफ माइनिंग के लिए क्रशर को ऑपरेट करने में नहीं कर सकते तो वही न्यूज है कि राजस्थान ताल छपर सेंचुरी गेट प्रोटेक्शन टू द फेमस ताल छपर ब्लैक बक सेंचुरी कौन की सेंचुरी है या ब्लैक बक पाए जाते हैं यहाँ पर चिंकारा बोला जाता है ना ब्लैक बर्ग सेंचुरी इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज रिसीव अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट अ प्रपोज मूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमिक सॉरी इको सेंसिटिव जोन तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपील की गई थी फिर हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया और ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया है अब प्रोटेक्टेड एरिया हो गया है और इसके एरिया को इसके जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और इसके एरिया को रिड्यूस नहीं किया जाएगा अब थोड़ी सी बातें अगर हम ताल छपार सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो ये यह यहाँ पर ब्लैक बक पाए जाते हैं और बहुत सारे वेराइटी ऑफ वर्ड्स जो हैं वो राजस्थान के यहाँ पर मिलते हैं ठीक है ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में आपको ताल छपार सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिलेगी चूरू डिस्ट्रिक्ट ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं एनएमडीसी एनएमडीसी विंस आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 अब ये एनएमडीसी क्या है तो एनएमडीसी जो है वो भारत की लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है 1958 में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था और हैदराबाद में आज की डेट में इसका हेड ऑफिस है तो एनएमडीसी को IEI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया IEI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिया गया है और जो इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 की जो सेरेमनी हो रही थी वो चेन्नई तमिलनाडु में हो रही थी और एन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन हो है हमारे देश में ठीक है इस बात को भी आपको याद रखना है और एन आर के प्रसाद जो है उनके द्वारा यहाँ पे ये अवार्ड को रिसीव करने का काम किया गया है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज डेली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल एट कर्तव्य कर्तव्य वही राजपथ जिसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया उसी के बारे में चर्चा हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है शुरुआत की गई है बेसिकली 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलने वाला है ठीक है विद द हेल्प ऑफ प्रसिद्ध फाउंडेशन एट कर्तव्य पथ नई दिल्ली में और इसकी जो टैगलाइन है वी आर भारत मीट इंडिया भारत मीट इंडिया इसका टैगलाइन है और ओपनिंग जो सेरेमनी हुई थी वो शुरुआत हुई थी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से और यहाँ पर इस पूरे आर्ट फेस्टिवल में जो है वो यहाँ पर एक थिएटर हिंदी थिएटर भी परफॉर्म किया जाएगा जिसका नाम है वीर अभिमन्यु ठीक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब देखिएगा प्रोजेक्ट पी जो आपका पी फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट सेवनटीन जो है उसके बारे में पहले भी बहुत सारा डिस्कशन कर चुकी हूँ इसलिए आज मैं उस सारे बातों में डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ ठीक है मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई मरगांव कमीशन इनटू इंडियन नेवी तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई मरगांव को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में ठीक है आई मरगांव डी सिक्स सेवन है जो कि सेकंड वॉरशिप है पी फिफ्टीन बी क्लास का ठीक है किस क्लास का पी फिफ्टीन बी क्लास का जो सेकेंड वॉरशिप है वो है आई एन एस मरगांव जिसको नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन कर दिया गया है अब ये जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इसमें टॉर्पीडो भी है रॉकेट लॉन्चर भी होता है इसमें और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसमें प्रेजेंट होती है जो कि 70 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है क्योंकि एक वॉरशिप है एक डिस्ट्रॉयर है जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा ठीक है अब इसको कंस्ट्रक्ट कहाँ पे किया गया है तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एम मुंबई के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और मुंबई में ही नेवल डॉक में मुंबई में ही इंडियन नेवी में से कमीशन करने का काम किया गया है इट वॉज डिजाइन बाय इंडियन नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ठीक है तो नेस जो है तो मरगांव जो वो पी फिफ्टीन बी का सेकेंड नंबर का वॉरशिप है डन चलिए अगली बात करते हैं इंडियन ऑरिजिन लियो बार्डिकर री एलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड तो इंडियन ऑरिजिन इंडियन ऑरिजिन है मतलब इनके फादर या मदर में से कोई ना कोई तो इंडियन होगा बिलोंग करते होंगे तो बिल्कुल इनकी मदर जो है वो आयरलैंड से ही थी नर्स थी बट इनके जो फादर थे जो कि डॉक्टर थे वो भारत से बिलोंग करते थे तो इसलिए ये क्या होगा इंडियन ऑरिजिन हो गए ठीक है इसलिए क्या होगा ये इंडियन ऑरिजिन होगा तो इंडियन ऑरिजिन लियो बेडेगर रियलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आयरलैंड ठीक है और ये जो है वो फाइन गेल डरबिन बेस्ट मतलब इनकी जो पार्टी है वो फाइन गेल इनकी पार्टी है और 2007 से इस पार्टी से वो इलेक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं अगर आप आयरलैंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे यूरोप में यूरोप में आपको यहाँ पे आयरलैंड देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल आपको डबलिन देखने को मिलेगी डन चलिए अब बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में पहला है दी एट जीएसटी काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जीएसटी काउंसिल की फोर्टी एट नंबर की मीटिंग कहां हो रही है तो नई दिल्ली में हो गई क्योंकि जीएसटी की जो भी मीटिंग्स होती हैं जनरली नई दिल्ली में ही होती हैं ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है देखिएगा इसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस द कैंडिडेट ऑफ इंडिया फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यू एन एस सी फॉर द ब्लैंक टर्म तो यहाँ पे एस जयशंकर जी के द्वारा कहा है कि 2028 और 29 के लिए भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यू एन एस सी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया था नेक्स्ट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एन के सी कौन बन गए हैं तो बिश्नोई साहब बन गए हैं राजीव कुमार ऑप्शन सी नेक्स्ट है फर्स्ट ब्लैक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो हमने देखा था डॉक्टर क्लाउडी गेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंडियन ऑरिजिन लियो बाड़गर री एलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो आज ही हमने देखा है कि आयरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड विच कंट्री बाय वन ट्वेंटी रन तो इंडिया ने किस देश को 120 रनों से हराकर तीसरी बार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड जीत लिया है और जो फाइनल मैच था वो एम चिन्मायस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में हो रहा था तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 2012, 2017 और 2022 ठीक है तो तीनों ईयर्स भी आप याद रख पाओ तो ज़्यादा बेटर है नेक्स्ट है अब यहाँ पे हमारे जो एक की थी कि पिछले पांच सालों में इसरो के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है 2018 से 2022 तक कितनी फॉरेन सैटेलाइट को भारत के इसरो ने लॉन्च इस किया है तो आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन डी दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे हुज द मोस्ट रिटर्न अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन ट्वेंटी ट्वेंटी Displacing द Jamaican लीडर उसेन बोल्ट from द टॉप लिस्ट तो कल मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था आपको बताना है कितने आर्टिकल अगर आपको याद है कितने आर्टिकल इनके ऊपर लिखेगा वो पर्सन कौन है तो इन दोनों बातों का आंसर अगर हो सके तो आप कमेंट में दीजिएगा सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूँगी और वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैं कुछ दिन लीव uh, पर हूँ इसलिए जो करेंट अफेयर्स है वो आपका रुकेगा नहीं रिचा मैम कुछ दिनों तक आपका करेंट अफेयर्स लेंगे उसके बाद वापस से मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगी ओके okay? सो so, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक अपना ध्यान रखेंगे थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय